फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग अ सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। यानी कोई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और उस मैट्रिक्स में हम कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करें। जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, उन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अगर हम चेंज करें उस मैट्रिक्स को, तो जो नया मैट्रिक्स जो हमें मिलता है वो हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलता है। सपोज कि ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग आर वन बराबर आर वन प्लस थ्री आर टू, यानी हम ये मैट्रिक्स चेंज कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, यानी आर वन प्लस थ्री आर टू। तो इसके निकालने के लिए सिंपल आर वन में चेंज कर रहे हैं, तो आर वन में चेंज करने के लिए आर वन जैसे सपोज फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इन दो के करस्पॉन्डिंग हम करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा वन यहाँ पे प्लस थ्री इंटू यहाँ पे जो एंट्री है जीरो है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी वन प्लस थ्री इंटू जीरो। इस तरह से इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो आर वन का जो है यहाँ पे जीरो, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस थ्री आर टू, तो ये थ्री आर टू। तो इस तरह से इसी के इसके लिए भी करेंगे तो ये दोनों जीरो हैं, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलता है, नया मैट्रिक्स जो मिलता है, वो हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाता है।